बात भी जारी है, पंचायत की हैवानियत पर चर्चा। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमदाबाद के पूर्व पुलिस कमिश्नर सुधीर सिन्हा। सुधीर जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह की वारदात हुई पश्चिम बंगाल में, एक लड़की पर 13 लोगों ने गैंगरेप किया, पंचायत ने ऐसी सजा सुनाई, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी पंचायत? इस केस में तो सभी 13 आरोपी 24 घंटे फरियाद दाखिल होने के 24 घंटे के अंदर अरेस्ट हो चुके हैं जी। जहां तक सजा का सवाल है, जो नया रेप कानून बना है उसमें गैंग रेप ने मृत्यु दंड की सजा की का प्रोविजन है जी। तो इसलिए, और ऐसे केस में जमानत मिलेगा इसका तो सवाल ही नहीं है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अच्छा से पुलिस और सरकारी वकील और ये सभी अच्छा से केस चलाए और एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस हो जाए तो मृत्यु दंड इन 13 को या इनमें से ज्यादातर को मिलना चाहिए। देखना यह है कि केस जल्दी चले, हाँ, जिससे साक्षी हॉस्टाइल नहीं हो जाए, क्योंकि सब केस लंबे समय तक पेंडिंग रहने पर साक्षियों को विन ओवर कर लिया जाता है, पैसा देकर, धमकी देकर या मुद्दतों की हैरानगति के कारण वो हॉस्टाइल हो जाता है। लेकिन अपराधियों के इस तरह के हौसले क्यों बुलंद हो जाते हैं कि बार बार ऐसी वारदातें होती हैं? देखिए, हरियाणा विस्तार में और थोड़ा पश्चिम बंगाल विस्तार में कुछ ऐसे ही सोसाइटी है, जैसे कुछ ऐसे पुराने प्रेजुडिसेस हैं, इस तरह की चीज हर जगह होता है, ऐसा नहीं है जी। ये तो आपने पश्चिम बंगाल में एक दाखला देखा और 2-3 दाखला वो जाट पंचायत का देखा है जी। जी, पश्चिम बंगाल में ही इस तरह की वारदात है, अभी कुछ दिनों में पहले दिसंबर में हुई और अभी भी हुई। तो इस तरह की क्या हमारी कोई सुरक्षा की में कमी है कि बार बार इस तरह की वारदातें होती है, अपराधी ऐसे घिनौने अपराध करते हैं? देखिए, ट्राइबल सोसाइटी है और ट्राइबल सोसाइटी बिल्कुल अपनी अपने सिविलाइजेशन से अभी भी बहुत दूर है, बहुत गरीबी और चीजें, आप जैसे अंडमान निकोबार इससे भी आगे होगा, वहां आप देख सकते हैं। सुरक्षा का सवाल, सुरक्षा तो डेटरेंट है, हर जगह कोई चौकीदार या पुलिस हाजिर नहीं हो सकता है। सुरक्षा है कि पुलिस अपना काम करे, केस डिटेक्ट करे, अरेस्ट करे या चार्जशीट करे, या पुलिस का काम है, सरकारी वकील अच्छा से केस चलाए और कोर्ट में जल्दी से जल्दी सजा हो, तो डेटरेंट है, डेटरेंट जी, बिल्कुल सजा होनी ही चाहिए। तो क्या अगर हम कानून की बात करें तो क्या हमारा कानून इतना सक्षम है कि इस तरह के अपराध को रोक पाए, और अगर नहीं है तो उसे कड़ा करने की जरूरत है? कानून सक्षम है लेकिन केसों का निकाल समय पर नहीं होता है, इस कारण से जो 5-10-15 साल छोटे छोटे मर्डर और रेप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसमें 2-3 साल में निकाल हो जाता है अगर, लेकिन छोटे केस, दूसरे क्रिमिनल केस हैं, उसमें 10-15 साल लग जाता है, तो उसके कारण अपराधियों में डर नहीं रहता है और अपराधी धीरे धीरे ज्यादा खतरनाक अपराध कर लेते हैं। जिसका मतलब कि हमें काम जी बोलिए। हाँ, पुलिस का काम है केस डिटेक्ट करना, अरेस्ट करना और चार्जशीट करना। पुराने जमाने में एनकाउंटर और थर्ड डिग्री की बातें होती थी, अब तो वो खत्म हो चला है और खत्म होना चाहिए, वो गैरकानूनी है, वो अच्छे सोसाइटी में वो नहीं चलाया जा सकता है। तो ये मानना कि पुलिस सब कुछ कर सकती है, ये उन लोगों का मानना है जो समझते हैं कि पुलिस थर्ड डिग्री करके भी अपराधी को कंट्रोल करेगी। जी बिल्कुल सुधीर जी, हमें हमारे कानून को और कड़ा करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत के लिए। रुझान जी, आप कुछ कहना चाहती थी? जी, मुझे सबसे पहले ये कहना है कि सर ने बोला, उसके पहले दूसरे सर ने बोला कि पुलिस हर जगह पहुंच नहीं सकती, ठीक है, एक्सेप्टेड है, लेकिन ये जो खाप पंचायत वाला फंडा था कि जब फरमान किया 10 लोगों का, यानी ये प्री प्लान था, ये एकदम स्पोर ऑफ द मोमेंट पे नहीं हुआ है, ये प्रोग्राम किया गया है कि हम 10 लोग जाएंगे और रेप करेंगे या 13 लोग जाएंगे और रेप करेंगे, तो ये तो प्री प्लान था। तो पुलिस उस जगह तो पहुंच सकती थी अगर पुलिस की नेटवर्क परफेक्ट होती, क्योंकि पुलिस का एक और इंपॉर्टेंट काम है, वो है प्रिवेंशन। डिटेक्शन तो बाद में आता है सर, सबसे पहले तो प्रिवेंशन जरूरी है। तो अगर पुलिस ने अपना धौंस धमाए रखता होता वहां पे, उनको पता है कि खाप पंचायत है, तो उनके अपने खबरी होते जो बताते कि भाई खाप पंचायत ने ऐसा फरमान किया है, वो खबरी पुलिस को बताता और पुलिस उस पे वो ले सकती थी एक्शन। इसलिए ये जो पुलिस हर जगह पहुंच नहीं सकती, ये सब डायलॉग कुछ सेट नहीं हो रहा है इस मामले में, सो लेट अस नॉट टॉक ऑफ दैट। सेकंड, जो पहले भी बताया गया है कि अगर पुलिस पहले से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सही रखे तो बाय डिफॉल्ट ये प्रिवेंट हो सकता है। डिटेक्शन तो भी बात की बात आई है, और अब जब डिटेक्शन आ गया है तो मैं एक चीज और याद दिला दूं कि अगर
अगर ये विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, लेकिन अभी वो जो 164 के 184 जो आता है जो जज के सामने बुलवा देते हैं, तो फिर वो भी चांसेस कम हो जाएंगे कि विक्टिम अरे विटनेस हॉस्टाइल हो जाएंगे। तो आई एम श्योर ये पुलिस वालों को या वहाँ के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सबको पता होगा, वरना मेहरबानी करके मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन में घोटाले करती है और घोटाले करने से सामने वाला बच जाता है, तो मेहरबानी करके इसमें घोटाले ना करें और सही इंसाफ दिलावे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रुझान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में यहाँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो आखिरकार कई सारे सवाल खड़े कर जाती है ऐसी वारदातें कि क्या वाकई में औरतों को महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, या फिर समाज सुधरेगा, या फिर कानून व्यवस्था सुधरेगी, या फिर प्रशासन, कई सारे सवाल खड़े कर देते हैं। और इस पर ये चर्चा यही समाप्त होती है। नमस्कार।